अच्छा, रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मैसेज किया और पूछा कि सर, इन दिस एग्जाम हाउ मेनी करेक्ट क्वेश्चंस शुड बी मार्क, हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन वी लीव. मतलब बेसिकली दे वांट अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट दे शुड मार्क. होता है ना, पीपल से कि यू हैव टू बी अग्रेसिव एंड मार्क मेनी ऑप्शंस, मेनी क्वेश्चंस, और डोंट बी वेरी अग्रेसिव एंड डोंट मार्क मेनी क्वेश्चंस. इनको एक नंबर चाहिए. बट रियलिटी में ना, इसका आंसर आपको कोई नहीं दे सकता. बिकॉज सम पीपल से बी अग्रेसिव, सम पीपल से बी कंजर्वेटिव. सो द थिंग इज, इसका एक लॉजिकल अप्रोच है, एंड दिस लॉजिकल अप्रोच कैन बी डिवाइडेड इन टू द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. सो आई अज्यूम देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. एक जो है उनको जीरो परसेंटाइल लाना, उनको सिर्फ क्वालिफाई होना है. बिकॉज आजकल आपको पता ही है ना कि इफ यू गेट अ जीरो परसेंटाइल यू आर एलिजिबल टू गेट अ सीट इन नीट पीजी ऑल्सो. ठीक है, आपके लिए इफ यू आर समबडी हु जस्ट वॉन्ट्स टू गेट द जीरो परसेंटाइल, यू जस्ट मार्क द क्वेश्चन यू नो करेक्टली एंड लीव एवरीथिंग एल्स. और फिर एक दूसरा ग्रुप है जो टॉपर्स है, जिनको टॉप करना है, उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि यार, यू हैव टू बी अग्रेसिव, यू हैव टू बी अ शार्प शूटर, यू हैव टू गिव एवरीथिंग यू हैव गॉट, यू कांट लीव थिंग्स टू लक. बाय अग्रेसिव आई मीन इफ यू सी अ क्वेश्चन एंड कैन रूल आउट एटलीस्ट वन ऑप्शन, दूसरा भी ऑप्शन रूल आउट करो और आंसर लगा. इफ यू कैन रूल आउट टू ऑप्शंस, ये तो बल्ले बल्ले, आप वो अटेम्प्ट करोगे. बट इफ यू कैन नॉट रूल आउट एनी ऑप्शन, दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन लीव. ठीक है, नाउ द थर्ड ग्रुप, द मेन ग्रुप, द मेजॉरिटी ऑफ अस, जिनको ठीक ठाक क्लिनिकल सीट चाहिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में प्राइवेट भी चल जाएगी, उनको एक 5000 टू 15000 की रैंक चाहिए. उनको कैसे खेलना, शुड शिल दे बी अग्रेसिव और शुड दे बी कंजर्वेटिव? इसका आंसर डिपेंड्स ऑन यू. जस्ट वेट, इट डिपेंड्स ऑन यू, द टाइप ऑफ पर्सन यू आर. बिकॉज यू कैन नॉट गो टू द एग्जाम विद अ प्री डिटरमाइंड माइंडसेट ऑफ अ नंबर, कि मैं इतने मार्क करूंगा और इतने मार्क नहीं करूंगा. दिस डिपेंड्स ऑन योर अवेयरनेस ऑफ योर अबिलिटीज एंड योर वीकनेसेस. यू शुड नो व्हाट योर अबिलिटीज एंड वीकनेसेस आर. इफ योर अबिलिटी इज टू रूल आउट ऑप्शंस एंड देन कम टू अ रीजनेबल कंक्लूजन एंड इट वर्क्स, देन प्लीज गो अहेड, रूल आउट ऑप्शंस एंड मार्क. एंड इफ योर वीकनेस इज पुअर लक, आप बहुत अनलकी हो, हर ऑप्शन जो तुक्का लगा के मारते हो वो तो रॉन्ग आता है, तो जस्ट रिमेंबर कि एग्जाम में जाके आपका लक चेंज नहीं होने वाला. आप अनलकी हो तो अनलकी रहोगे. द पॉइंट इज, यू आर द ओनली वन हु कैन डिसाइड ऑन द एग्जाम टू मार्क द क्वेश्चंस और लीव द क्वेश्चंस. ठीक है, बट व्हाटएवर यू डू, बी अवेयर एंड कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये ना इसमें एग्जाम में ब्लॉक्स है. इफ यू आर अनलकी, यू माइट स्टार्ट विद अ हार्ड ब्लॉक. इफ यू आर लकी, यू माइट स्टार्ट विद अ इजी ब्लॉक. व्हाटएवर यू डू इन दैट ब्लॉक, यू शुड हैव द फोरसाइट कि अगले वाले ब्लॉक में आप क्या करोगे. अगर अगला वाला ब्लॉक इजी है तो आप अग्रेसिव हो जाओगे, और अगला ब्लॉक अगर हार्ड है तो आप उसमें कंजर्वेटिव. So this depends on you and this can only be known on the day of the exam. तो अब ये exam नहीं रह गया. मुझे लगता है कि ये exam एक बहुत बड़ा खेल है और एक game है जो आपको exam के दिन ही खेलना है, और exam के दिन ही exam में आप इसको समझोगे. आप इसको planning करके नहीं जा सकते हो. आप hindsight में बोलोगे मैंने ऐसे खेला था तो उससे मुझे ये हो गया, but आप आज बैठ के plan नहीं कर सकते. तो मेरी सलाह और एडवाइस आपके लिए ये है कि आप एग्जाम को एक ओपन माइंड से जाओ, और क्वेश्चन को उसको अपने आप देख के आंसर करो. अगर आता है तो लगाओ, नहीं आता है तो छोड़ दो, और अपनी स्किल और अपनी लक के बारे में आप ही जानते हो, उस हिसाब से खेलना है. That is what I'm trying to tell you. ठीक है? And for all of this, for doing all these mental gymnastics on the exam day, you need to have a fresh mind which is in peace. So my sincere advice to you is, before the exam, the night before the exam, try as much as possible to have a very good night's sleep. And this again depends on your shift. Whatever it is, have a good 7 to 8 hours of sleep if possible, and go to the exam to have that mental acumen and presence in the exam hall to play all these things to get a good score. I wish you all the best. I will see you on the other side. Bye-bye.